अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक थ्री का सेकंड लेक्चर आज हम करेंगे ग्रेड फाइव का, वर्ड चेंज विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, सही है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। अभी हम सही हमें एक समझाने के लिए दिया गया है, वर्ब दिया गया है, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रोनाउन, सही है। वर्ब एक्सप्रेस इधर लगाया है, फिर बनाना नाउन है, एक्यूरेट एडजेक्टिव, ईगरली एडवर्ब, यूअर प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम ये खुद से करेंगे। ठीक है, हमें इधर वर्ब दिया है, हम नाउन खुद से करेंगे, एडजेक्टिव खुद से करेंगे, एडवर्ब और प्रोनाउन भी खुद से करेंगे, सही है। तो हमने ये बनाए हैं, तो नाउन इधर हो गया केक, फिर एडजेक्टिव है स्मूथ, एडवर्ब है स्वीटली, प्रोनाउन है वी, सही है। तो इधर आप ये लिख लेंगे। ठीक है, नाउन केक है, एडजेक्टिव स्मूथ, एडवर्ब है स्वीटली, प्रोनाउन है वी। फिर दूसरे जो तीसरा नंबर लाइन है, तो उसमें भी हमें वर्ब दिया गया है सॉल्व, हम नाउन लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर इंटरजेक्शन, फिर प्रोनाउन, सही है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम ये तो मैंने लिखे हैं, आप खुद से भी ये लिख सकते हैं, जो नाउन आपको पसंद हो, जो एडजेक्टिव, वो खुद से भी लिख सकते हैं। तो तीसरे नंबर में ये आएगा, नाउन है शूज़, एडजेक्टिव हैवी, इंटरजेक्शन आ, फिर साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी लगाएंगे, प्रोनाउन है यू, सही है। चौथे नंबर लाइन में है, कंजंक्शन हमें दिया है बिकॉज, और ये बाकी हम खुद से करेंगे, नाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन प्रोनाउन। तो नाउन बस हमने लगा लिया, एडजेक्टिव ह्यूज, प्रीपोजिशन ऑन, प्रोनाउन ही, सही है। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रीपोजिशन हमें दिया गया है फ्रॉम, और हम ये दूसरे खुद से करेंगे, एडवर्ब बेडली, नाउन चेयर, वर्ब सिटिंग, एडजेक्टिव परफेक्ट, सही है। फिर लास्ट में हमें इंटरजेक्शन दिया गया है, ए लॉस, और साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी दिया है, फिर ये बाकी हम खुद से करेंगे, एडवर्ब है सैडली, नाउन है फैन, प्रीपोजिशन अंडर, प्रोनाउन हर, सही है। तो ये हम इस लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रैक्टिस किया, आप भी प्रैक्टिस कर ले और ये बॉक्सेस जो है वो खुद से फिल कर दे। ठीक है, और बाकी लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।